सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ बाहर जस्ट बिकॉज ऑफ डिनर करने, क्योंकि आज डिनर नहीं बना है। अब आज ऐसा मत बोलना कि भाई तुझे घर से निकाल लिया है। नहीं गाइस, अभी मेरे मॉम डैड कंपनी में है, तो उनको आते आते बहुत देर हो जाएगी, तो उन्होंने बोला कि तू नाश्ता करके आना क्योंकि हमको लेट हो जाएगा। तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ सेक्टर 6 में फॉर नाश्ता। सो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ नाश्ता लेके, क्योंकि गाइस मैं नाश्ता है ना बाहर नहीं करता, मैं घर पे उसको लाता हूँ फिर खाता हूँ। तो सेक्टर 6 में गाइस जय भवानी करके है एक, जो उस उधर के भेल है ना गाइस, 1 क्लास, ये 1 क्लास होती है गाइस। क्योंकि मैं हर बार जब भी जाता उधर, तो उधर की रेगुलर भेल जो होती है ना गाइस, वही ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि मेरे को वो सबसे बेस्ट लगती है। थोड़ी कॉस्टली होती है, बट आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं करके देंगे। तो मेरा सजेशन है वहाँ पे आप जाना, क्योंकि मैंने खुद ने ट्राई की हुई है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सो गाइस, ये इनकी नॉर्मल डिसेंट सी पैकिंग है। पर गाइस, आप पैकिंग पे मत जाओ, क्वालिटी एक चीज़ होती है। सो गाइस, अभी मैं बैठूँगा खाना खाने, मतलब नाश्ता करने, तो मिलते हैं हम आपको फिर। गाइस अभी हम जा रहे हैं, हमारी बाइक अभी फाइनली रिपेयर हो चुकी है, भाई की बाइक। तो अभी हम जा रहे हैं और हमारे अब साथ उसको है, लेने जाते हैं, यस बहुत दिन हो गए, 1 वीक से ऊपर हो गया है, तो बाइक तो लेने एक्चुअली जाना पड़ेगा। एक्चुअली भाई ने क्या कहा था, एक दिन में कहा था, लेकिन 1 वीक हो उनको गया, एक फंक्शन आ गया था उनका, इसलिए। तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया हमारा बाइक का सो गाइस रिपेयरिंग। अभी हम हमारा जाए हेलमेट तो हमारे साथ है, सेफ्टी सेफ्टी इज के लिए फर्स्ट। बहुत जरूरी है ये हेलमेट। तो अभी हम हेलमेट के बिना यार बाइक चलाने का मजा ही नहीं आता यार, मतलब वो राइडर की फीलिंग नहीं आती। इस ये जो मतलब लगाते ना है, बहुत मजा आता है, बहुत प्यारी चीज़ है यार ये भी, इसे भी साथ रखना जरूरी, नहीं तो अकेला भी रोएगा हाँ, यार ये। तो हम इससे मिलते हैं, सेफ्टी भी बनी रहती है। तो 100% बने भले मिलते हमारे हैं हम पास, आपको आगे। ठीक है। गाइस, फाइनली हमारा बाइक आ चुका है, अभी इसको वॉश करेंगे क्योंकि बहुत गंदा हो गया। अब बैटरी हो गया है दोस्तों ये बाइक, और काफ़ी समय के बाद मिला है जो बाइक। 1 वीक के बाद ही मिला है हमको, तो ऐसे ही पड़ा रहा होगा उधर, तो वही तो ठीक तो हो गया है, रिपेयर दिनों हो के गया है। बाद बाइक चलाने को मिला है बाइक को अपना। हाँ, ये वन भाई वीक इसकी भी बहुत ही क्योंकि अलग 1 वीक फीलिंग तक मैं यही बाइक चला रहा था। है, ये बाइक मैंने लिया है और ये ये तरह मैं चला की के आया हूँ ये चला रहा है जो भाई, इसकी बाइक में फीलिंग है, ठीक है, साइलेंसर की फीलिंग है, भाई, हैवी बाइक है, हैवी बाइक की भी मज़ा आता है। बहुत ही पुराना बाइक है ये तो, ओल्ड इज गोल्ड बाइक दोस्तों, बहुत देखो ही मतलब कितना पुराना है पता है, 2004 से लिया था मेरे पापा ने, अभी तक चल रहा है, एकदम अच्छी कंडीशन में। बीच में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से सिर्फ ये आगे का टायर है ना, ये वाला सिर्फ वो मतलब टायर ही दोस्तों मेरे को चेंज 2004 करना में लिए थे, पड़ा। मतलब ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए इस बाइक से। बाइक स्कूटी होती है ना, तो भी टू व्हीलर, मतलब ये भी टू व्हीलर ही है लेकिन स्कूटी होती मैक्सिमम है ना, 3 साल 4 साल फिर खखड़ जाती है, तो फिर उसको बेचना पड़ता है बाइक। भाई 20 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, नहीं मतलब चलती रहती है, इसको एकदम सर्विस अच्छी कराओ चल रही तो है। अच्छी चलती है, खर्चे भी इसके नॉर्मल होते पार्ट्स हैं, भी नहीं मिलते हैं गाइस, बहुत बहुत बुरा नहीं हो गई है, स्ट्रगल करना पड़ता है फिर मिलते हैं इसके। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ अभी है तक चल रही है वो, मेरे को बात बहुत अच्छी लगी, कोई भी बाइक वरना अभी की नहीं, जो बाइक आती है ना वो नहीं चलती, महंगी बहुत होती है अच्छी लेकिन नहीं चलती नहीं है, ज़्यादा नहीं चलती है। पर ये अभी भी चल रही है और वो भी अच्छी कंडीशन में, ऐसी नहीं कि भाई 1 वीक हो गया आपको रिपेयर कराना पड़ा है, मन में
वन मंथ हो गया फिर से रिपेयरिंग, ऐसा नहीं है। इस बार मेरे को चेन का प्रॉब्लम हुआ था, इसमें सिर्फ वही चेंज करवाया है, बाकी और कुछ चेंज नहीं। इसके पहले मैंने कुछ भी नहीं कराया था, सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें सिर्फ एक टायर ही चेंज करवाया है और स्प्रिंग बस आगे की जंपर्स बस, उसके अलावा तो कुछ भी चेंज नहीं कराया गया। सालों से ये बाइक क्या ही कर रहा है। मैं इसको कब से, मैं इसको ये 4 साल से चला रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक गलती से एक्सीडेंट हो गया था। कोई मेरी गलती नहीं थी उसमें, वो सामने वाली लड़की थी, लड़की की गलती थी। क्योंकि क्या हो रहा था, ऐसे क्रॉस सेक्शन था, मैं जा रहा था, सिग्नल बंद था, तो भी वो नहीं, सिग्नल कुछ था ही नहीं उधर, सिग्नल नहीं था। अच्छा भाई, सब लोग रुके, एक दीदी को क्या हुआ था पता नहीं मेरे को, मैं जा रहा था और वो क्रॉस सेक्शन आता है, उधर से दीदी आई अंदर। मैं क्या करता, मेरी तो गाड़ी थोड़ी स्पीड में थी, तो ब्रेक लगाऊं तो भी लग नहीं रही थी गाइस, और फेल नहीं हुई थी, ब्रेक फेल नहीं हुई थी गाइस, पर इतनी जल्दी लग भी नहीं सकती ब्रेक। और वो बीच में आके, भाई ऐसा नहीं कि मैं चली जाऊँ, ऐसा उनको उनको दिमाग में ऐसा आया ही नहीं उसको। उसने क्या किया, बीच में आए और कुछ सोचे बिना ब्रेक मार दी, और भाई वो उधर ही खड़ी रही। क्या बात है, उसने फिर क्या कहा? उसने कुछ किया ही नहीं, ऐसे ना आगे ले गई ना पीछे ले गई एक्टिवा उसकी। तो अगर उसने आगे ले ली होती तो मैं थोड़ा कट मार के ऐसे ले लेता, पर उसने कुछ किया ही नहीं, तो मैंने मजबूरी में मेरे को, मैं क्या करूँ, मतलब हो गया एक्सीडेंट। शॉट किए सामने वाले की ड्राइविंग स्किल कम थी, इसकी वजह से ये हाँ एक्सीडेंट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ वुमन, बट चला नहीं आनी चाहिए उस वुमन अब मैन हो, लेकिन चला नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो बॉयज से भी गलती हो सकती है, उनके भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, मतलब बॉयज से भी गलती गर्ल्स से बॉयज होते हैं। So guys, अभी हमारी डिस्कशन चल रही है, कौन सा सीरियस डिस्कशन गाइस, क्योंकि हम आए हैं फिर से रील शूट करने, तो रील्स शूट करेंगे। अगर वो रील्स आपको देखनी है, चेक आउट आवर इंस्टाग्राम अकाउंट जो इधर कहीं नीचे आ रहा होगा आप इतने तो पहले होंगे शायद यार, क्या पे भाई? यस, अभी ट्राइपॉड आ गया है, ट्राइपॉड में बनाते हैं। ये देखो, ये रहा ट्राइपॉड अपना, तो भाई ट्राइपॉड पे अभी इसके पैर ढीले हो गए, देखो भाई। हाँ इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ, मोड़ना ऐसा पड़ता है उसको, तोड़ मरोड़ के भाई इसको सीधा करना पड़ता है, सीधा करना पड़ता है, बाद में स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है भाई। कोई नहीं, ऐसे हम कर लेते हैं, ठीक है, जुगाड़ कर लेते हैं यार। गुजरात तो भाई अभी ये जुगाड़ हमारे खून में, जुगाड़ खून में भाई, तो रुको भरा देते हैं इसको, इसको सेट कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली सारे शूट खत्म हो गए, अभी सब शूट कर लिया है हमने, एक थोड़ी सेकंड रही है, एक मिनट भी कंप्लीट नहीं हुआ, और हमने व्लॉग चालू कर दिया है, क्योंकि हमने एक और टेक लिया, मतलब शूट पूरा कंप्लीट किया है और फिर हम डायरेक्ट व्लॉग ही कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, इस पे हमने ट्राइपॉड रख लिया था, ठीक है, और हम इधर बैठे थे, ठीक है, तो उसका मस्त वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा, उसकी भी आईडी मेंशन हो जाएगी। एक्चुअली मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, ठीक है, बहुत ही जल्दी आ जाएंगे करने वाला, ठीक है, इंस्टाग्राम अपना बहुत ही यूज चल रहा है इसका, और मेरा तो फेसबुक ऑन ही है अभी, एक्टिव ही है सब, तो नीचे आ जाएगी जो भी होगा वो, और क्या इंस्टाग्राम तो है ही हमारा, यस, उसको फॉलो कर लेना आप, उसमें बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी, शॉर्ट्स, ये हमने बहुत सारे रील्स देखने को मिल जाएगी, क्योंकि है ना दोस्तों, हम जो ब्लॉग के साथ आपको बताते हैं ये शूट किया वो शूट किया, तो वो आपको देखने मिलेगा इंस्टाग्राम पे, वो सारे बहुत सारे बना दिए ब्लॉग के साथ साथ, बहुत सारे हम शॉर्ट भी, हम एक्चुअली क्या करते हैं, ब्लॉग बनाना उसके साथ शॉर्ट भी बना लेते हैं,
और उसके बीच ही हम व्लॉग भी करते हैं, उसके बीच भी हम मतलब व्लॉग करते हैं कभी कभी। व्लॉग तो हमने पहले से शुरू कर दिया होता है, पर जो भी बाकी रहता है हमारा करना वो भी शॉर्ट के बाद होता है। हाँ तो और अभी बहुत ठंड हो गई है इसका अभी तो देखो, भाई देखो व्यू देखो इसका, मतलब अभी अच्छा व्यू आ रहा है, मतलब क्या बात है यार, नाइट का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है और काफ़ी इधर बहुत ही मज़ा आता है यार। और रात के समय तो भाई साहब क्या ही मज़ा आता है, ठंडी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर, देखो यार जबरदस्ती नहीं जबरदस्त जबरदस्त होती है यार दस्त। यहाँ पर देखो यहाँ सारे घास है ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब क्या होता है कि ठंडक ग्रीनरी बिकॉज ऑफ ग्रीनरी हमको ठंडी बहुत ज़बरदस्त ठंडी लग सकती है ज़्यादा यस। और यहाँ पर तो बहुत सारे मतलब आप महात्मा मंदिर आओ आपको पेड़ ही पेड़ 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 दिखेंगे, मतलब आपको लगेगा कि ग्रीन सिटी पूरा मतलब गांधीनगर है, लेकिन हाँ इसलिए यहाँ पर जबरदस्त है। हमारा जो सिटी का नेम है ना वो ग्रीन सिटी गांधीनगर, ग्रीन सिटी गांधी ऐसा मेंशन किया हुआ है सब जगह पे, तो इसी वजह से मेरे को लगता है यस। और काफी यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ही मजा आता है, पीसफुलनेस यहाँ पर बहुत जबरदस्त है, ग्रीनरी होनी चाहिए क्योंकि फॉर आवर एनवायरमेंट एंड फॉर आवर इनहेलिंग ऑक्सीजन। और मेंडल पीस के लिए ये जगह मेरे लिए बेस्ट है, हम सबके लिए बेस्ट है, सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए बेस्ट है, यहाँ पर शांत वातावरण होता है ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत जबरदस्त है। चलने आ जाओ जैसे हम आए थे आपको आपने मॉर्निंग वॉक भी आप कर सकते हो, तो पिन कमेंट में आ जाएगा वो यस, मॉर्निंग वॉक वॉक भी कर सकते हो, इवनिंग कमेंट में नहीं आई बटन में, आई बटन पे, आई बटन पे आ जाएगा वो वाला ब्लॉग। और आप मॉर्निंग वॉक भी करो यार ठीक है, इवनिंग वॉक भी करो, शाम को आप हाँ मेडिटेशन करने आ सकते हो, यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स जैसे हम शूट कर रहे हैं, यस वी आर डूइंग आवर वर्क रेगुलर, रील शूट करते हैं ब्लॉग करते हैं हम रेगुलर बेसिस पे, अपने जो है फर्ज है वो निभाते हैं, आपको एंटरटेनमेंट करते हैं ठीक है, एंटरटेनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि काम तो करते रहना चाहिए yes. जो डेली लाइफ रूटीन है वो। सो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं तक ही रखते हैं, तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और डू कमेंट, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर देना जिससे कि हमारे आने वाले न्यू व्लॉग्स आपसे मिस ना हो और आप उसे भरपूर तरीके से एंजॉय कर पाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत जल्दी यस।